ये देखिए यहाँ पे चाय बन रही है, मुझे कप है चारों के। सो गाइस देखिए यहाँ पे चटनी की तैयारी हो चुकी है। मैंने धनिया, मिर्च, पीनट मैंने बोला था और लहसुन मैंने डाल दिया, तो चटनी का पहले बना लेती हूँ। तो गाइस ये देखिए रवा में आपको सब कुछ दिख रहा होगा, और ये है मैंने तवे पे डाला हुआ रवा डोसा, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, और ये है मेरा रेडी डोसा। गाइस ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, खाती भी बहुत हूँ, तो मज़ा आ जाता है खाने में। हे गाइस हेलो एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज मैं आई हूँ डी मार्ट, ससुराल में जाने के बाद पहली बार मैं डी मार्ट में शॉपिंग करने जा रही हूँ, साथ में सासू माँ जिनको मैं पहली बार डी मार्ट लेके जा रही हूँ, और पराग और सिद्धेश आगे चल रहे हैं और आई हमारे साथ हैं। सो आई को मैंने बोला कि ऐसे ही रहा करिए, बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आई बड़े सिंपल से रहते हैं, कोई बिंदी बिंदी नहीं लगाते, पाउडर वगैरह नहीं लगाते हैं, और बहुत सारा ऑयल लगा लेते हैं बालों में। तो हमने बोला है कि आज आप बड़े सुंदर लग रहे हो, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आई कैसी लग रही है हमारी। तो हम आए डी मार्ट में, पे दिखा देती हूँ कि बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि आज संडे है गाइस, और हम लोग शाम को मतलब लेट आए हैं, तो देखिए कितनी देखिए रश कितना है यहाँ पे। और मैं सोच रही हूँ कि पहले यहाँ पे जाए हम लोग, तो चलिए अंदर चलते हैं। मुझे एक्चुअली कुछ गिफ्ट लेना है किसी के लिए, तो मुझे स्लिंग बैग्स देखनी थी, तो ये देखिए यहाँ पे ये स्लिंग बैग्स हैं, तो मैं पहले स्लिंग बैग देख लेती हूँ। अभी तो फिलहाल सिर्फ देख रहे हैं हम लोग कौन सी पसंद आ रही है, क्योंकि आई है साथ में, तो आई को भी चॉइस करनी है चीज़ें। तो सुमा ले रहे हैं पर्स यहाँ पे, सो एक गाइड्स हम गए थे यहाँ पे 6:30-7 बजे और हम निकले 10 बज गए। हम लोग वेट कर रहे हैं कैब का, पर आप ट्राई कर रहे हैं ऑटो बुक करने का, और वो हो नहीं रही है अभी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कैब भी बुक करूँ। और ये है सिद्धेश हमारा, आज शॉपिंग थी आई के लिए, पराग के लिए और सिद्धेश के लिए, मतलब आई के लिए कपड़े वगैरह तो आई ने कुछ लिया ही नहीं है, लेकिन आई को मैंने चप्पल्स लेके दी हैं और पर्स, जो कि मैं घर पे जाके आपको सबको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। वैसे हमने कुछ भी ग्रॉसरीज वगैरह कुछ नहीं खरीदी, हमने सोचा था ग्रॉसरीज हम लोग बाद में लेंगे, तो फ़िलहाल के लिए तो हमने सिर्फ शॉपिंग करी है कपड़ों की। आई और सिद्धेश कल जा रहे हैं मुंबई, तो सिद्धेश के लिए भी मुझे कुछ ख़रीदना था, तो हमने शूज़ वगैरह सिद्धेश के लिए ख़रीदे हैं। तो फ़िलहाल के लिए तो गाइस वेट कर रहे हैं, मैं देखती हूँ अभी क्या होता है। उसके बाद घर जाने के बाद, खाना खाने के बाद मैंने भाई को बोल दिया कि पार्सल लेके आना घर पे अभी, तो फिर हम लोग बात करेंगे। ओके सो गाइस घर पे हम लोग आ चुके हैं, और इतना ज़्यादा चल चल के पैर दर्द करने लगे हैं, अभी लग रहा है कि कहीं पर जाके बैठ जाए। तो थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद फिर आपको दिखाने वाली हूँ मैं चीज़ें, उसके पहले मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि 10:30-11 हो चुके हैं एंड वी आर सो हंग्री। तो हम लोग पहले खाना खाएंगे, उसके बाद फिर बताऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या लाया, क्योंकि आई गई और सिद्धेश की पैकिंग भी करनी है अभी, क्योंकि वो कल जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं।